मैंने बताया था कि जैसा कि भाई एक फेमटोमीटर 10^-15 मीटर के बराबर होता है, तो गलगला को अच्छा एक गीगामीटर में कितने फेमटोमीटर होते हैं? अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक गीगामीटर 10^9 मीटर था के नहीं है, ठीक है जी? और अगर एक फेमटोमीटर में 10^-15 मीटर होते हैं, तो एक मीटर में 10^15 फेमटोमीटर होंगे। तो ये मैं मीटर की जगह 10^15 लिख सकता हूँ। 9+15 कितना होता है बच्चों? बेसिस सेम हो, एडअप हो जाती हैं, 24। तो ये गीगामीटर में होंगे 10^24 फेमटोमीटर। ओके डियर, अब आ जाए एक माइक्रोमीटर में कितने टेरामीटर होंगे? सो वेल डियर, ये लिखा हुआ है चार्ट के एक माइक्रोमीटर 10^-6 मीटर के बराबर है कि नहीं? अब याद करो कुछ कहानी कि एक टेरामीटर जो था, मैंने बताया था 10^12 मीटर के बराबर था, तो मीटर कितना टेरामीटर के बराबर हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 10^12 टेरामीटर के बराबर हो जाएगा। तो 10^-6 तो क्या हो गया, एक माइक्रोमीटर में मीटर, और फिर मीटर में टेरामीटर तो 10^-12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बेसिस सेम हो, पावर एडअप हो जाती है, 10^-18 टेरामीटर। सो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों।